हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 25 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब कि सार्क ग्रुप के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, ऑल द मेंबर कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू इंक्रीज ट्रेड अमंग देम। सेकेंड, SARC comprises almost 30% of world's population since both India and China are members of this group. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है सभी ने मिलके ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किया है, जिसकी वजह से सभी कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर दो कंट्रीज के बीच में सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसकी फ्री मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया जाता है। अब सार्क के अंदर टोटल 8 कंट्रीज जो है वो मेंबर है, यहां पे मैं लिख देता हूं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज चाइना जो है वो मेंबर नहीं है। चाइना इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ सार्क, इट इज एन ऑब्जर्वर ऑफ SAARC, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हो सकता है कि आपको ये पता ना हो कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन में कितना शेयर है सार्क का, बिकॉज इट इज 21%, बट ये तो पता होना चाहिए कि मेंबर कंट्रीज में चाइना जो है इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर इज ए, वन ओन। सो रिसेंटली सार्क एंड CICA जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एनुअल मीटिंग हुई थी, इस वजह से ये न्यूज हुई। दूसरा क्वेश्चन हम इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, Which of the following statement is or are correct about conference on interaction and confidence building measures in India, that is CICA, sorry, in Asia. First, it was established 5 years after the establishment of United Nations for enhancing cooperation towards promoting peace, security and stability in Asia. Second, India is one of the founding members of this group. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहां पे इसका जो एस्टैब्लिशमेंट बताया गया है वो गलत है, बिकॉज इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। जो कजाकिस्तान है उनके प्रेसिडेंट ने सबसे पहले 1992 में ये रेकमेंड किया था कि इस टाइप की बॉडी बनानी चाहिए, और फिर जाके 1999 में ये बॉडी जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। यूनाइटेड नेशन जो है वो 1945 में एस्टैब्लिश हुई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, दो इट्स ऑब्जेक्टिव इज करेक्ट कि ये एशिया के अंदर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, बट इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड जो है वो करेक्ट है। देर आर करंटली टोटल 27 मेंबर्स इन दिस ग्रुप and India is one of the founding members of this group. So answer is B, second only. Again, इसकी भी annual meeting हुई थी जहां पे India and Pakistan के बीच में कोई trade negotiations हुए। Question number 3, which of the following are correct characteristics of Indian agriculture? First, fragmentation of cultivable land. Second, weather dependence. Third, इंटरस्टेट बैरियर्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो है वो करेक्ट है। इंडिया के अंदर कल्टीवेबल लैंड का फ्रेगमेंटेशन काफी ज्यादा है। इट इज ड्यू टू सोशल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ए, उसके दो बेटे हैं बी एंड सी, तो ए के पास जितनी भी लैंड होगी इट विल बी क्लासिफाइड एंड इट विल बी बाइफर्गेटेड बिटवीन दीज टू सन्स। मान लो कि ये दोनों के बीच में ये कल्टिवेबल लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी,
अब मान लो कि ये बी के भी दो बेटे हैं एक्स एंड वाई, तो इन दोनों के बीच में भी ये बी की जो लैंड है वो बेच दी जाएगी, मतलब अगेन द लैंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस वजह से इंडिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन जो है उसकी मात्रा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर जो है उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। सो एज पर द रिसेंट एग्रीकल्चर सेंसस, इंडिया में एवरेज फार्म साइज जो है इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1.07 to 1.09 हेक्टर्स। अब यूएसए की बात करें तो वहां पे ऑलमोस्ट 157 हेक्टर की फार्म साइज है एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यूएसए की फार्म साइज जो है इट इज ऑलमोस्ट 150 टाइम्स देन दी इंडियन फार्म। तो इस वजह से भी इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, वी आर डिपेंडेंट अपॉन दी वेदर फिनोमिना दैट इज रेनफॉल, राइट, बिकॉज इंडिया के अंदर 58% एग्रीकल्चर जो है इट इज रेन फेड एग्रीकल्चर, राइट। तो सेकेंड जो है वो भी करेक्ट होगा। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एज ऑफ नाउ एवरी स्टेट आर हैविंग देयर ओन एपीएमसी एक्ट, सभी स्टेट के अपने एपीएमसी एक्ट होते हैं, और उस बेसिस पे दो अलग अलग स्टेट के बीच में अगर फार्म प्रोड्यूसेस जो है उसका ट्रेड करना है तो दोनों के कानून अलग होने की वजह से कुछ इश्यूज जो है वो खड़े होते हैं। बिकॉज लेकिन अब जो नया गवर्नमेंट ने फार्म बिल बनाया है उसके अंदर गवर्नमेंट का लॉ जो है इन स्टेट एपीएमसी एक्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा, तो वहां से ये इश्यू जो है वो दूर हो सकता है। तो इंटर स्टेट बैरियर्स है एज ऑफ नाउ, तो इस वजह से ये थर्ड भी करेक्ट है। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। अगेन ये फार्मर्स बिल को लेके फिर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर इन द वर्ल्ड। सेकेंड, हाईएस्ट ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ए 1 ओनली, फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। सो एज पर यूनेस्को वाटर सॉरी वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि इंडिया में सबसे इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है पूरे विश्व में। फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया के अंदर जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है उसका मेजोरिटी यूज कहां पे होता है, फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो यूज किया जाता है स्पेशली इन द पंजाब हरियाणा रीजन। तो आंसर होगा ए 1 ओनली। अब रिसेंटली किसी ने गुरुग्राम के अंदर ये आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की थी और यहां से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि गुरुग्राम के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है इट सॉ अ स्टेडी फॉल ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, और रिसेंटली ये भी रिपोर्ट्स जो है वो बाहर आए थे कि बाय द एंड ऑफ 2020 इंडिया के अंदर काफी सारे मेजर सिटीज जो है इट विल रन आउट ऑफ द ग्राउंड वाटर, एंड इसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है वाटर स्कैरसिटी की वजह से जीडीपी को ऑलमोस्ट 6% जितना लॉस भी हो सकता है। तो ग्राउंड वाटर के बेसिस पे हमने ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देखा, अब हम एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रीजंस फॉर द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया, मतलब कि ग्राउंड वाटर इंडिया में डिप्लीट होता जा रहा है तो इसके रीजंस क्या है। फर्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकेंड सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड इंक्रीज्ड डिमांड। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3, तीनों रीजंस जो है वो करेक्ट। अब देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ देन इट लेड टू हायर प्रोडक्शन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। अब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो शॉर्ट टाइम में इंक्रीज हो गया, लेकिन आप सभी को पता है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो तो शॉर्ट टाइम में इंक्रीज नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुआ। सो ग्रीन रेवोल्यूशन एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि ग्राउंड वाटर को यूज करने के लिए मेजोरिटी एरियाज में पंप्स का यूज किया जाता है, द पंप्स कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स।
अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर सब्सिडी मिलेगी देन दे विल यूज मोर पंप्स टू एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चीप रेट पे मिलती है. तो ये सेकेंड रीजन जो है वो भी करेक्ट है. थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगी और वहां से ग्राउंड वाटर जो है वो भी ज्यादा डिप्लीट होगा. सो आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3. ग्राउंड वाटर के ऊपर अभी हमने जो आर्टिकल देखा ये. क्वेश्चन नंबर 6, द बायो डीकंपोजर टेक्निक इज सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू डैश. ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग व्हीक्यूलर एमिशन, ऑप्शन सी टू एड्रेस इश्यू ऑफ स्टबल बर्निंग, एंड ऑप्शन डी फर्टिलाइजर मेकिंग टू इंक्रीज पैडी प्रोडक्शन. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. आंसर इज सी, टू एड्रेस इश्यू ऑफ स्टबल बर्निंग. बायो डीकंपोजर टेक्निक जो है वो आज ही के न्यूज़पेपर में है. हम न्यूज़पेपर आर्टिकल देखते हैं. सो रिसेंटली आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी जो है EPCA, इट डील्स एंड इट टैकल्स द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दी दिल्ली NCR. तो उन्होंने जो पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट है उनको ये डायरेक्शंस दी थी कि स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए उनको कुछ मेजर्स लेने चाहिए. और उसके ऊपर स्टबल बर्निंग जो है इट इज अ बर्निंग इश्यू, उसके ऊपर रिसर्च जो है वो भी होते रहते हैं कि किस तरीके से स्टबल को यूज किया जाए. सो दिल्ली के अंदर वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली ये बायो डीकम्पोजर टेक्निक जो है उसको इनॉग्रेट किया था. इसकी मदद से स्टबल जो है इट विल बी कन्वर्टेड इंटू कंपोस्ट, जो एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एयर पॉल्यूशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं. स्टबल जो है इसको जलाने की बजाय आप उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस टेक्निक को क्या कहते हैं, बायो डीकंपोजर टेक्निक. सो द CM विल ऑल्सो मीट द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर और इसके ऊपर वो इसको और भी इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने के गाइडलाइंस जो है वो भी फ्यूचर में जारी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ CACP, दैट इज कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ऑन 2020-21 खरीफ मार्केटिंग सीजन. फर्स्ट, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज प्रोक्योरमेंट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा. सेकेंड, पैडी प्रोक्योरमेंट शुड बी मेड इक्वल अमॉन्ग पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. थर्ड, गवर्नमेंट शुड अर्जेंटली लिक्विडेट एक्सेस स्टॉक. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट. अब रिसेंटली ये जो कमीशन है उन्होंने 2020 एंड 2021 की जो खरीफ मार्केटिंग सीजन है उसके लिए एक रिकमेंडेशंस का रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया था. उस रिपोर्ट के अंदर ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज पंजाब हरियाणा रीजन में से गवर्नमेंट ज्यादा पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है. सो उनका उनकी रिकमेंडेशन ये थी, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग अपॉन पंजाब एंड हरियाणा द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट प्रोक्योरिंग फ्रॉम UP, बिहार एंड राजस्थान. तो ये तीन स्टेट के ऊपर फोकस करना चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा के ऊपर कम फोकस करना चाहिए. तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है. सेकेंड जो है वो करेक्ट है, बिकॉज किसी पर्टिकुलर स्टेट में टोटल जितने भी फार्मर्स है उसमें से जितने अमाउंट ऑफ फार्मर्स, जितने नंबर ऑफ फार्मर्स जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट की स्कीम के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब कि फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर इफ देर आर 100 फार्मर्स विच आर इंक्लूडेड इन दी पैडी प्रोडक्शन, जो पैडी का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें से 95% फार्मर्स जो है दे आर इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट. मतलब 95% फार्मर्स ऐसे हैं कि जिनके पास से गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली पैडी जो है वो प्रोक्योर करती है. इट इज 70% इन केस ऑफ हरियाणा. तो जैसा कि हमने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा में से गवर्नमेंट ऑलरेडी ज्यादा प्रोक्योर करती है. जब हम यूपी बिहार की बात करें सो इट इज ओनली 3.6% इन यूपी एंड इट इज ओनली 1.7% इन बिहार.
तो आप देख सकते हैं कि यूपी एंड बिहार के अंदर पब्लिक प्रोक्योरमेंट का रेशियो जो है वो काफी कम है। तो सीएसीपी जो है उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि ये रेशियो जो है वो सभी स्टेट के अंदर इक्वल होना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट शुड इंक्लूड द फार्मर्स ऑफ यूपी एंड बिहार इनटू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्कीम ऑफ द पैडी। तो ये सेकेंड जो है वो करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसको रेगुलरली मेंटेन करने के लिए अभी जो एक्सेस स्टॉक पड़ा है उसको अर्जेंट बेसिस पे गवर्नमेंट को लिक्विडेट करना चाहिए। ये भी एक रिकमेंडेशन थी सीएसीपी। सो आवर आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। सो सीएसीपी ने जो रिकमेंडेशंस की है उसको ध्यान में रख के पंजाब के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली, आपको पता है कि अराउंड 2.3% एमएसपी जो है वो इंक्रीज की है, सॉरी 2.6%, बट दे से दैट इट इज एट द लीस्ट इन द प्रीवियस डेकेड, मतलब पिछले 10 सालों में ये इंक्रीमेंट जो है वो सबसे कम है। कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ने 6% इंक्रीमेंट का रिकमेंडेशंस दिया था, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन इज करंटली एट 8.4%। सो गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट किया है लेकिन ये क्वांटम जो है वो काफी कम है, ऐसा इनका आर्ग्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ब्रू और रियांग कम्युनिटी। फर्स्ट, इट इज एन इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनली लिविंग इन द अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड, इट इज अकॉर्डेड अ स्टेटस ऑफ पीवीटीजी दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ये देखिए अगर आप फ्लो में पढ़ेंगे तो आपको स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट लगेगा, लेकिन दे डू नॉट मेनली लिव इन अरुणाचल प्रदेश, दे आर मेनली लिविंग इन दी त्रिपुरा मिजोरम एंड आसाम। और ये अभी ब्रू रियांग रीसेटलमेंट को लेके जो क्राइसिस चल रही है वो कौन से दो स्टेट में है, मिजोरम एंड त्रिपुरा के अंदर ये क्राइसिस चल रही है। सेकेंड इज करेक्ट कि दे आर अंडर दी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सो आवर आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो ये क्राइसिस जो मैंने आपको बताया ब्रू रियांग कम्युनिटी की जो क्राइसिस चल रही है इस वजह से ये बार बार न्यूज में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इट हैज वन ऑफ द लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल्स इन द वर्ल्ड। थर्ड, इट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीट्स ओवर 50% डिमांड ऑफ वैक्सीन्स ग्लोबली। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज इंडिया। ये डिस्क्रिप्शन जो है वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए है, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। यूएसए के अंदर ऑलमोस्ट 40 से 50% डिमांड जो है जेनेरिक ड्रग्स की वो इंडिया फुलफिल करता है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, फार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया के अंदर कॉस्ट जो है इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज ग्लोबली वी मीट ओवर 50% डिमांड ऑफ वैक्सीन्स। ऑल्सो जो एड्स के ट्रीटमेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स चाहिए 80% ग्लोबल डिमांड जो है वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो फुलफिल करती है। सो इट इज अ प्राउडफुल इंडस्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। आंसर इज इंडिया। सो टुडे इज दी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और इस वजह से हमने ये क्वेश्चन जो है वो पुट ऑन किया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली अबाउट टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स एलिमेंट्स। फर्स्ट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और सामने एलिमेंट दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी। सेकेंड, सोशल सस्टेनेबिलिटी, और सामने एलिमेंट दिया गया है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। एंड थर्ड, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, और सामने एलिमेंट दिया गया है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, 1 एंड 3। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट। और देखिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है उसके ऊपर हैजार्डस या फिर नेगेटिव इंपैक्ट ना हो।
तो आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, आप ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है उसे कम कर सकते हैं, यू कैन अडॉप्ट ग्रीन एनर्जी ऑल्सो. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. सोशल सस्टेनेबिलिटी के एलिमेंट्स क्या है? ये आर्किटेक्चर जो है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, इट इज एन एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. सोशल सस्टेनेबिलिटी में आप जेंडर इक्वालिटी लिख सकते हैं, देन प्रमोटिंग कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज ये लिख सकते हैं. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सोशल सस्टेनेबिलिटी. थर्ड जो है वो करेक्ट है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, सभी की इनकम जो है वो इंक्रीज हो एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, ये सारे एलिमेंट्स है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. सो आंसर होगा सी, 1 एंड 3. सो आज के न्यूज़पेपर में ये काफी अच्छा आर्टिकल है एनवायरमेंटलिज्म के ऊपर. इट इन द स्टार्ट इट टॉक्स अस अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल्सो अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.